राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, पत्रकार हत्या और साध्वियों के साथ रेप के दोषी राम रहीम की पैरोल की अर्जी खारिज हो सकती है। दरअसल राम रहीम ने खेती बाड़ी के लिए पैरोल मांगी थी, लेकिन उसके पास कोई ऋषि भूमि ही नहीं है। सारी भूमि डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट के नाम है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम ने खेती बाड़ी को आधार बनाकर पैरोल मांगी है, लेकिन सिरसा जिला प्रशासन को जो रिपोर्ट हरियाणा सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भेजी है उसके मुताबिक राम रहीम के नाम पर सिरसा में कोई भी ऋषि भूमि नहीं है। बतौर किसान नहीं रजिस्टर्ड हैं राम रहीम। आपको बता दें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि डेरे के पास कुल 250 एकड़ भूमि है, लेकिन इस जमीन के रिकॉर्ड पर कहीं भी राम रहीम मालिक या बतौर किसान रजिस्टर्ड नहीं है। माना जा रहा है कि सिरसा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर राम रहीम की पैरोल की याचिका खारिज की जा सकती है। पैरोल के समर्थन में हरियाणा सरकार। जी हाँ, आपको बता दें, हरियाणा में चुनाव से पहले राम रहीम को लेकर सियासत गर्म हो गई है। राम रहीम की करतूत से हैरान परेशान रही हरियाणा की खट्टर सरकार पैरोल को लेकर काफ़ी उदार दिख रही है। जेल मंत्री कृष्णा पाल पवार राम रहीम के अधिकार और कानूनी हक की वकालत कर रहे हैं, तो बड़बोले मंत्री अनिल विज खुलकर समर्थन में उतर आए हैं। पैरोल के पक्ष में नहीं है हरियाणा पुलिस। आपको बता दें, इसके अलावा हरियाणा पुलिस की खुफिया रिपोर्ट भी राम रहीम को पैरोल देने के हक में नहीं है। पुलिस का मानना है कि ऐसा करने पर सिरसा में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और पंचकुला जैसे हालात बन सकते हैं। आपको बता दें, 42 दिनों के पैरोल की अर्जी। जी हां, दो दो साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने पर सस्पेंस गहरा गया है। राम रहीम ने 42 दिनों के पैरोल की अर्जी दी है। जेल प्रशासन ने अच्छे व्यवहार के सर्टिफिकेट के साथ हरी झंडी भी दे दी है। अब जिला प्रशासन को राम रहीम के जेल से बाहर आने को लेकर फैसला लेना है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद अब उसकी पैरोल की अर्जी खारिज हो सकती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।